बांदा में भाजपा कार्यकर्ता की अचानक हुई मौत से हड़कंप मच गया है। बता दें कि मृतक युवक का नाम अंकित था, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई है, जो अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी उसे अचानक चक्कर आ गया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब लोगों ने अंकित को देखा तो वह नाले में उल्टा पड़ा हुआ था। तभी अंकित को जिला अस्पताल ले जाया गया। तब अस्पताल के डॉक्टर ने तुरंत बिना देखे ही उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज हमारे चौराहे में हमारे बूथ के अध्यक्ष रहे हैं अंकित गुप्ता जी, और चौराहे में इनकी छोटी सी दुकान है, चाय का बनाने का काम करते हैं। उसको बड़ा बनाने के लिए मिस्त्रियों को लगाकर कुछ काम कर रहे थे, और उस काम करते करते मिस्त्री लोग जो है कुछ सामान लेने चले गए, और वहाँ तखत जो रखा था वो टूटा हुआ था। क्या नाम है मृतक का, कितनी उम्र रही होगी, और क्या मतलब शिक्षा है इनकी? अंकित गुप्ता नाम है, शिक्षा के बारे में तो ग्रेजुएट है अंकित गुप्ता, और शिक्षा के बारे में ग्रेजुएट हैं। शादी भी नहीं हुई थी उनकी, तो पीछे पलट गए हैं ऐसे तखत टूट जाने की वजह से, और सर केवल वो नाली में चले गए, और नाली में जाने की वजह से कुछ लोग आकर के जब देखा है अगल बगल वालों ने, उनको निकाला है, तो वहाँ से लेकर के जिला अस्पताल गए हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बगैर देखे कह दिया है कि आप मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। इस तरह की घोर लापरवाही किया है जो भी डॉक्टर रहे हैं वहाँ जिला अस्पताल में, वहाँ से लेकर के मेडिकल कॉलेज आए, यहाँ पर डॉक्टर ने देखा है और इस बार बता दिया, इस बार हो चुकी है। बता दें कि युवक भाजपा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष था, जिसके भाई वीरेंद्र गुप्ता विष्णु ने जानकारी में बताया कि युवक एक चाय की दुकान किए हुए था और अचानक चक्कर आ जाने के कारण नाले में गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मेरा भाई है, हाँ। और ये चौराहे में जो है चाय की गुमटी किए हुए है जी। और अचानक चक्कर आ जाने के कारण ये नाले में गिर गया उल्टा, और जैसे ही चौराहे में गिरा तो नाली का गंदा पानी पी गया। इसके बाद जब लोगों ने देखा तत्काल इसको जिला अस्पताल लेके गए हम लोगों ने, जिला अस्पताल वालों ने कहा इसको आप मेडिकल कॉलेज ले जाइए। मेडिकल कॉलेज में जब लेके आए तो डेथ हो चुकी थी। इसके बाद में इन लोगों ने हमें बराबर परेशान कर रहे हैं, हम लोग चूंकि सब लोग कह रहे हैं कि हमें बॉडी घर ले जाना है, पोस्टमार्टम नहीं करवाना, लेकिन जब यहाँ कभी कोतवाली जाओ, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। ये घटना कब की है, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे जी, ये बीजेपी का बूथ अध्यक्ष है, और ये अपनी दुकान पे ही बैठा हुआ था, अचानक चक्कर आने के बाद जो है चक्कर आया और ये पलटी का वहाँ नाले में पलटी खा के गिर गया है। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ता को कोई पदाधिकारी यहाँ, कोई ऐसा सदस्य यहाँ उपस्थित हुआ, क्या मदद की उन्होंने जी? इनने जो किया, अभी कुछ लोगों ने फोन ऑन करते रहे, लेकिन कोई मदद, कोई किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है मृतक का? अंकित गुप्ता सोनू। कितने साल की उम्र होगी? उम्र वही 23 साल। पिताजी का नाम क्या है इनके? श्री वृंदावन गुप्ता जी। निवासी गायत्री नगर भंडार। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता विष्णु। आप कौन है इसके? चचेरे भाई। कौन है? गिर गया एकदम से, लड़का है आपका? हाँ। कितनी उम्र थी इनकी? 22-23 साल। तो अचानक से ऐसे मतलब कोई मानसिक बीमारी या फिर कोई इस तरह कुछ नहीं थी? कुछ नहीं था। कब की घटना है? अंकित के भाई ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि मेरा भाई बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसे देखने के लिए यहाँ नहीं आया। बांदा से अनवर रजा, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।